नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर हर रोज हम आपके लिए न्यूज लेकर आते हैं, परंतु आज हम न्यूज नहीं बताकर आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे कई बार हमने समर्थन मांगा, परंतु आपने कोई समर्थन नहीं दिया, क्योंकि आप सरकार के समर्थक हैं, ऐसे सरकार के समर्थक हैं जो भ्रष्टाचारी है, जो इस देश को ले डूबा। आज युवाओं को क्या जवाब दें? 2 साल से जो बच्चे पढ़ रहे थे, वो सारे पूछते हैं SSC का एग्ज़ाम कब होगा। जिन बच्चों को APO का फॉर्म भरवा दिया, उनका एग्ज़ाम कब होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव है, सबको अपनी अपनी सरकार बनाने की लगी हुई है। कोरोना केवल नौकरियों के लिए ही आती है, एग्ज़ाम के लिए ही आती है। NEET G का एग्ज़ाम करवाया, क्योंकि उसमें नौकरी देना नहीं है, वो इंट्रेंस टेस्ट है। सरकार इतना बड़ा भेदभाव क्यों करती है? आज तक इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया, क्योंकि उनके पास जमीन है, उसका खेसरा नंबर ये लिख लेते हैं। कभी इन्होंने बहुजन क्रेडिट कार्ड इशू किया, क्योंकि बहुजन समाज जो अपने आप को 85% कहता है, रत्ती भर भी ये विश्वास नहीं करते। उनके मजदूरी पर इन्हें विश्वास नहीं, उनके श्रम शक्ति के ऊपर इनको विश्वास नहीं। 15,000, 20,000, 50,000 कुछ लिमिट करके अगर ये बहुजन क्रेडिट कार्ड इशू कर देते और फिर कहते आत्मनिर्भर बनो, तो लगता है कि गार्जियन, जो देश का गार्जियन है, जो देश का प्रधान है, खड़ा हो गया। जो इतनी उसकी बड़ी पोटली थी वो लेके खड़ा हो गया। हम सब वो मिलकर सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर लेना चाहिए, पर तो सरकार ने ऐसा नहीं किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आया उन लोगों के लिए जो व्यापारी हैं, जो इनको चुनाव लड़ने के लिए पैसे देंगे। ये उद्योगपतियों को सपोर्ट करते हैं, बहुजन समाज, मजदूर वर्ग, विद्यार्थी, शिक्षक, जो अपना अपना काम करते हैं, किसी के ये समर्थक नहीं है। इन सबको ये वोट बैंक समझते हैं। आज देश का शिक्षक, छात्र, सब के सब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, क्योंकि 2018 का जो SSC का एग्ज़ाम हुआ वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। BPSC का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और नई वैकेंसी ये दे देते हैं ताकि फॉर्म भरो और उसके एग्ज़ाम की एक डेट नहीं बताएंगे, क्योंकि कोरोना का संकट है। 90,000 की वैकेंसी इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिया, आज तक उस वैकेंसी को क्या हुआ कुछ नहीं बताया। पूरा देश का जो बहुजन समाज में बहुत सारे नेता हैं, वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं, वो एक दूसरे को काटने के लिए बैठे हुए हैं, वो राजनीतिक पोस्ट करते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। बहन मायावती जी हो या चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कोई और दलित नेता हो, एक दूसरे को काटने के लिए खड़े हैं। इन बेरोजगार युवाओं के साथ कौन खड़ा है और कौन कह रहा है कि सरकार हमें बहुजन क्रेडिट कार्ड दो, हमें 10-15 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, 2 बकरियां खरीद लेंगे, 1 गाय खरीद लेंगे, गांव में चराएंगे, अपना काम कर लेंगे, आपको पाई पाई चुका देंगे। सरकार को आप पर कोई भरोसा नहीं, छात्रों के ऊपर सरकार का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये फॉर्म भरे हैं, इनका एग्जाम करवाएंगे तो नौकरियां देना पड़ेगा। प्रश्न यह उठता है कि आपने कांग्रेस गलत किया तो BJP को ले आए, BJP अब उससे भी बड़ा गलत हो गया, अब किसको लाएंगे? कौन इस व्यवस्था को बदलेगा? क्या सरकार सबके सब जो भी आएगी इसी तरह से लूटने का काम करेगी? प्रश्न यहाँ ये उठता है, जब हमारी सेना कोई काम करे, कोई बेहतरीन काम करे, तो वो सरकार का क्रेडिट, अगर सरकार कुछ गलती करे तो वह किसका क्रेडिट होना चाहिए? हमारे जो देश के प्रधान हैं वो कुत्तों को खिलाने में व्यस्त हैं, वो मोर को खिलाने में व्यस्त हैं। इस देश का बच्चा बच्चा भूखा मरने लग गया, रोड पे उतर रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, कोचिंग सेंटर बंद है। जिन छात्रों ने कोचिंग क्लास में पैसे लगवाए, अपने पिता का जमीन बेचकर 2 लाख 2.5 लाख बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जमा करवा दिया, तैयारी किया, अब वो ये पूछते हैं कि मेरा एग्जाम कब है, क्या जवाब दें? फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और ये झगड़ा फसाद बढ़ता जा रहा है। आप गांव में जाके देखिए, शहरों में जाके देखिए, छीना झपटी बढ़ गई है, एक दूसरे पे लोग लपक रहे हैं। ऐसी अराजकता, इतना बड़ा एनार्की कभी नहीं देखने को मिला।
यह सरकार नौकरी देगी नहीं, केवल झुनझुना दिखाएगी। कब तक जय श्री राम बोलते रहे, कब तक मंदिर मस्जिद में उलझे रहे। शिक्षा को इन्होंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। क्या आप शिक्षित हो जाएंगे? आप सवाल करेंगे। कल तक जो किसान क्रेडिट कार्ड देकर किसानों को बुर्बक बनाकर रखने वाली ये सरकार के सामने अब लोग बहुजन क्रेडिट कार्ड मांग रहे हैं, मजदूर क्रेडिट कार्ड मांग रहे हैं। कुछ तो दो, कुछ तो करो, कर्ज के रूप में ही दे दो। हम अपना काम करना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अब ये पूरी आवाम कहने लग गई है, क्योंकि भूखा क्या करे, कुछ तो करेगा। सरकार हर जगह मौन धारण कर लिया है। आप यकीन मानिए, आपके एसएससी का एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम निर्धारित समय पर हो या ना हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर होगा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 55 करोड़ लोगों ने मत डाले थे। 55 करोड़ लोगों के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, परंतु 55 लाख छात्रों के लिए इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और तो और, एग्जाम की कॉपी जांच करने के लिए भी इनके पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोरोना संकट है। कोर्ट लगाने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुलजिम पकड़ने के लिए इनके पास व्यवस्था है। जुर्माना वसूलने के लिए इनके पास पुलिस है, लेकिन न्याय और इंसाफ देने के लिए इनके पास कोर्ट नहीं है, कोर्ट में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां कोरोना संकट है। एक कोरोना के नाम पे ये कितना दिन जिएंगे, कितनों को भूखा मारेंगे। कुछ औरैया में मरा, कुछ औरंगाबाद में मरा, कुछ कोरोना संक्रमण से मरा, कुछ बेरोजगारी से मर जाएगा, कुछ अपने आप को आत्महत्या कर लेगा। इन्होंने मजबूर कर दिया अब देश के युवाओं को। याद रखिए, जवानी से जमाना बदलता है। ये नौजवान छात्रों को इन्होंने उंगलियां की है, अभी इनको डिसलाइक मिला है, हर वीडियो में इनको डिसलाइक मिल रहा है, लोग इनके पीछे पड़ चुके हैं। सच यह है कि देश में बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार हूं का ये एक नारा बन चुका है। आपने देखा होगा, बहुत साल पहले, बहुत महीने पहले जो है एक ट्रेंड चलता था, मैं भी चौकीदार। इन्होंने 2019 में मैं भी चौकीदार करके चुनाव जीता था। अभी क्या जवाब देंगे? हर जगह लोग लगा रहे हैं मैं भी बेरोजगार। बेरोजगारी का वह आलम है कि अब तो सरकारी दफ्तर में सरकारी सीट पर बैठे हुए बाबू को लोग कॉलर पकड़ के उठा लेंगे और कहेंगे काम कर, नहीं तो छुट्टी कर। अब जनता तय करेगी। जनता का ये माहौल बनता जा रहा है। बस आप इंतजार कीजिए कि किस दिन ये खुले आम सड़कों पर पीटते नजर आएंगे, सरकार के बंदे, सरकार के लोग, क्योंकि सरकारी व्यवस्था धीरे धीरे ध्वस्त नजर आ रही है। आम जनता बागी होती जा रही है और सब के सब अब डिमांड करती है कि कुछ काम करो, अन्यथा बकवास बंद करो। इस तरह के नारे लग रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सच्ची घटनाएं बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।